नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सी फॉर सी एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 27th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि नोनेम नाम की गैंग का पीछा करने के चक्कर में ब्रेन उस नोनेम के हाथ लग जाता है, जिसके कारण टॉक्सिन को ब्रेन से अलग होना पड़ता है। तो वही दूसरी ओर डिलन वेनम के साथ मिलकर टॉक्सिन और ब्रेन को ढूंढने निकलता है, जहां उसे ब्लैक विडो मिलती है जिसके पास भी अब सिम्बियोट है। और फिर वे दोनों मिलकर ब्रेन और टॉक्सिन को ढूंढने निकलते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्रेन को देखते हैं जिसे नोनेम ने पकड़कर अपने बेस पर लाया था। तभी वो नोनेम गैंग का एक आदमी ब्रेन के पास आता है और ब्रेन से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर ब्रेन कोई जवाब नहीं देता है। तभी वो आदमी ब्रेन से कहता है तुम्हारे चुप रहने से तुम नहीं बचोगे। ये कहते हैं वो फिर से ब्रेन को उसका नाम पूछता है, लेकिन ब्रेन उसे कुछ नहीं बताता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम वेनम को देखते हैं जो विडो के साथ टॉक्सिन को ढूंढने निकला है। तभी वेनम विडो से कहता है वो यही पे है। ये कहते हैं वेनम टॉक्सिन को ट्रैक करते हुए एक सुनसान गली में आ जाता है। तभी वेनम विडो से कहता है ये टॉक्सिन यहाँ इस गली में नीचे जो गटर है उसमें है। ये कहते हैं वेनम उस सीवर के अंदर चला जाता है। ये देखकर विडो भी अंदर चली जाती है। उसके बाद अंदर चलते हुए विडो वेनम से पूछती है कि क्या तुम उसे ट्रैक कर पा रहे हो, जिस पर वेनम हाँ कहता है। जिस पर विडो कहती है कि मुझे और लोग यहाँ आते हुए फील हो रहे हैं, जिस पर वेनम कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पर मदद बुलाई है। ये कहते हुए दोनों टॉक्सिन के पास आ जाते हैं, जो अपने होश से अलग होने के बाद बहुत ही कमजोर पड़ गया था। तभी विडो टॉक्सिन के पास आती है और वेनम से पूछती है कि क्या ये मर चुका है, जिस पर वेनम कहता है नहीं ये बस घायल है क्योंकि उसके पास उसका होश नहीं है, हमें जल्दी उसके लिए नया होश ढूंढना होगा। ये कहते हुए वेनम टॉक्सिन को अपने अंदर निगल लेता है, जिसके कारण वेनम और टॉक्सिन हाइट में आ जाते हैं। तभी वेनम टॉक्सिन से पूछता है वो क्या है, जिस पर टॉक्सिन कहता है नोनेम तैयारी के साथ आए हैं और उनके पास कोई वेपन्स थे जो ऐसे लग रहे थे कि वो मुझे जला देंगे। ये वेपन्स सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि ब्रेन को भी चोट पहुंचा रहे हैं, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए छोड़ना पड़ा। अब वो अकेला और मुसीबत में है, जिस पर वेनम कहता है हम ब्रेन को ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी टॉक्सिन कहता है मैं ब्रेन को ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हें ब्रेन के पिता ऑस्कर को ढूंढना होगा और ये भी पता करो कि अल्कमैक्स लोगों के साथ आखिर क्या कर रही है। ये ब्रेन के साथ जिस किसी ने किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी वेनम टॉक्सिन से पूछता है क्या तुम ब्रेन को ट्रैक कर पा रहे हो, जिस पर टॉक्सिन कहता है हाँ मैं उसे ट्रैक कर पा रहा हूँ, बस मुझे एक होस्ट की आवश्यकता है। या हम नोनेम के एक गार्ड को देखते हैं जो उस गली में आ जाता है और देखता है कि वहां पर एक बिल्ली थी। ये देखकर वो गार्ड उस बिल्ली के पास आता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो बिल्ली असल में स्लीपर है जो उस गार्ड को पूरी तरह डरा देती है। तभी मौका देखकर विडो पीछे से आती है और उस गार्ड को बांध देती है। तब स्लीपर विडो से कहता है इसे बांध के रखो और मरने मत देना, वरना ये टॉक्सिन की कुछ काम करने होगा। फिर उसके बाद हम स्लीपर और विडो को देखते हैं जो उस गार्ड को लेकर वेनम के पास आता है। तब स्लीपर वेनम से कहता है ये लोग अपने ऊपर है। तभी वेनम उस गार्ड को देखता है और फिर अपने अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और उस टॉक्सिन को उस आदमी पर छोड़ देता है। तभी टॉक्सिन उस आदमी से जुड़ जाता है और पता करने लगता है कि ब्रेन कहाँ पे है। तो वही वेनम विडो से कहता है मेरे साथ चलो, हमें ऑस्कर को ढूंढना होगा। यह सुनते ही विडो वेनम से पूछती है हम उसे ढूंढेंगे कैसे, जिस पर वेनम कहता है हम उसे नहीं बल्कि वो हमें ढूंढते हुए आएगा। यह कहते हम डिलन को देखते हैं जो जानबूझ के अल्कमैक्स के कैमरा के सामने आता है और उन्हें दिखा देता है कि वो वेनम है। ये देखकर अल्कमैक्स के लोग तुरंत वहां आने लगते हैं। उसके बाद अल्कमैक्स के लोग वहां आ जाते हैं और वेनम पे फायरिंग करते हैं, लेकिन तभी विडो देखती है कि उनमें से एक कार में ऑस्कर है। ये देखकर वो तुरंत उस कार के सामने आती है, जिसके कारण जैसे ही वो कार विडो को हिट करती है वैसे वो कार के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वेनम ऑस्कर को बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी वो अल्कमैक्स के लोग वेनम पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके कारण वेनम कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन फिर जैसे ही वेनम और विडो ऑस्कर को पकड़ लेते हैं, तभी नताशा ऑस्कर से कहती है तुम्हारा बेटा मरने वाला है। ये सुनते ही ऑस्कर को गुस्सा आता है और वो पूछने लगता है मेरा बेटा कहाँ पे है, जिस पर नताशा कहती है
यही हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी ऑस्कर वेनम को देखता है और कहता है यही इन सब के पीछे है। लेकिन तभी नताशा अपने सिम्बियोट से ऑस्कर को बांध देती है। ये देखकर वेनम नताशा से कहता है ये ब्रेन के डैड है, तो जो कुछ भी कर रही हो वो सोच समझ के करना। ये सुनते ही नताशा ऑस्कर से कहती है तुम गलत हो, नोनेम ने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है और वो उसे पानी में डुबाने वाले हैं जिसमें तुम्हारे अल्कमेक्स के केमिकल लीक हुए थे। ये सुनते ही ऑस्कर डर जाता है। तभी नताशा कहती है जल्दी बताओ तुम क्या जानते हो, जिस पर ऑस्कर कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पास की बिल्डिंग पर एक नोनेम का गार्ड खड़ा था और वो ऑस्कर पे ही निशाना लगाकर बैठा था। यहाँ हम ब्रेन को देखते हैं जिसे टॉर्चर करके एक जगह पर लाया था जो असल में सूखा पड़ा हुआ पुल था। तभी ब्रेन देखता है कि वहाँ पर और भी लोग थे। तभी वो नोनेम का गार्ड ब्रेन और बाकी के लोगों से कहता है तुम्हारी उल्टी कितनी शुरू हो चुकी है, अब जल्दी वो केमिकल से भरा हुआ पानी इस पुल में भर जाएगा और तुम सबका खेल खत्म हो जाएगा। ये सुनते ब्रेन डर जाता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।